और हमको लड़के में इंटरेस्ट नहीं बल्कि हमको लड़कियों में इंटरेस्ट है। वो लड़की भी मेरे से प्यार का इजहार की और मैंने भी उससे प्यार का इजहार कर दी हूँ। चाहे जैसी प्यार हो, चाहे बुढ़वा हो, चाहे जवान, चाहे बुढ़वा चाहे जवान, चाहे लड़कियाँ चाहे सयान, जैसी पाओ जुड़ जा। फैमिली प्लानिंग करेंगी, सब कुछ प्लानिंग करेंगी, तो भाई लड़की शादी करके क्या करेंगी? लड़के में हम तो सोचते हैं लड़के लड़के में शादी करें, लड़की लड़की में शादी करें। हाँ, मेरा तो सोचे ही। आज के जमाने में लड़कियां ऐसे कर रहा था, हम लड़कियन के ऊपर काहे चाहिए थी, लड़कियन कैसे ना करे चाहे, लड़कियन के जो ना प्यार मोहब्बत के झूठा झांसा देती, हम तो उसे प्यार करती मोहब्बत करता ही। तू वीडियो कॉल पे आवा रानी, अपन सब खोल के दिखावा ये कहीं, हम तुम्हार बाबू, हम तार सोना, हम तार मोना, ऐसे ऐसे बोल के कहीं की थोड़ा खोल के दिखाओ, थोड़ा खोल के दिखाओ। तो मैं लड़कन से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग गलत करते हो। देखो जो आप लोग दूसरों लड़कियों में ढूंढते हो ना कि ये दिखाओ दिखाओ, वो आपके माँ बहन के पास में भी होता है। तो मेरे राजकुमार करिया गाय भैंसा नदी गाड़ा पाचा पाचा दांत रहे मार माई बाप कर पाव पूजी अभी विदा कर दे लीजिए जो ना भाई से खूटा बाना नदी गाड़ मारा साठ साठ साठी। मान लो उनको जिससे प्यार मोहब्बत हो गया, तो जब तक वो सात फेरे के बंधन में ना बन जाए, जब तक की शादी ना कर ले, तब तक नहीं कहना चाहिए कि मुझे खोल के दिखाओ, ये करो, वीडियो कॉल पे आओ, तो उनकी बातें कर लेंगे बेचारी। कुछ बहुत सारी लड़कियां बेबस कर देते हैं, उनका वीडियो कॉल पे जो है बात करेंगे, उनका क्या बोलते हैं वीडियो बना लेंगे, फिर उसको वायरल कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मन्नू दुबे एक्ट्रेस हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी धमाल मचा रहे हैं और मोनू अंकित कॉमेडी टीम के साथ जो है काम कर रही हैं। मोनू अंकित कॉमेडी टीम में काफी विवाद भी चल रहा है, हम एक वीडियो में आपको दिखाए भी हैं। मन्नू जी, आपकी शादी को लेकर के बड़ी चर्चा है, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, पहले तो सभी को जय भारत न्यूज से प्रणाम करते हैं और नमस्ते करते हैं। और ये बात सच है कि मेरे शादी को लेकर बहुत ज़्यादा से जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं शादी फाइनली करने वाली हूँ। किससे करेंगी शादी? कौन होगा वो खुश नसीब जिस लड़के से आप करेंगी शादी? ओह माय गॉड, तो मैं बता दूं कि वो खुश नसीब नहीं होगा, खुश नसीब होगी होगी होगी। और मैं एक लड़की से शादी कर रही हूँ जिसका नाम है आरती जौनपुरिया। तो मैं आरती जौनपुरिया से शादी कर रही हूँ गाइस, और ये मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बोल दिया था और फिर एक बार बोल रही हूँ कि मैं शादी आरती जौनपुरिया से करूँगी। तो लड़की से शादी करना कोई गलत बात नहीं है गाइस, जहाँ तक मेरा कहना है। और हमको लड़के में इंटरेस्ट नहीं बल्कि हमको लड़कियों में इंटरेस्ट है। मतलब लड़कियों से आप शादी करना चाहती हैं? जी, ये आज की युवा पीढ़ी खो क्या गया है कि जहाँ देखिए खबरें आ जाती हैं लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, लड़के लड़के शादी कर रहे हैं, मतलब क्या क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? ये बस मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत है कि आज हम लोग को इस मोड़ तक लाई है। और हम एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे, बहुत दिल से प्यार करते थे। मतलब जब से मैं इंडस्ट्री में आई थी, यानी कि मैं रोली दीदी के यहाँ काम करी थी, तभी से हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन मैं जनवाती नहीं थी और जताती भी नहीं थी। जनाना और जताना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि लोग ढेर सारा सवाल करने लगे कि आप लोग की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा जमती है, जैसे लगता है कि बीबी मियाँ बीबी की जोड़ी है। तो मैंने कहा कि भैया जब आप लोगों ने यहाँ से शुरुआत कर दिया, तो मैं आगे से मैं भी शुरुआत कर ही देती हूँ कि मैं फाइनली मैं उनसे शादी करने ही वाली हूँ। ये तो कहा जाता है कि जो है मैं उनसे बे इंतहा प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हैं। ये तो या तो लड़का जो है लड़की से बोलता है या लड़की जो है लड़की लड़के से बोलता है? वो लड़की भी मेरे से प्यार का इजहार की और मैंने भी उससे प्यार का इजहार कर दी हूँ। अब बस बात रही, शायरी कौन सा सुनाई थी? बस बात रही शादी की, तो अब डायरेक्टली शादी पे आते हैं। तो मंदिर में आइएगा, आप भी लड्डू सड्डू खाइएगा, पहले तो हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद में जो है शादी करेंगे। शादी उसी तरह करेंगे जैसे कि आप जो है एक लड़की से कोर्ट मैरिज करेंगी, तो जो समाज है क्या कहेगा आपको? आपको इस बात का अंदाजा है? समाज क्या कहेगा, आप समाज को हम कब तक लेके चलेंगे? समाज खाने के लिए मरती हूँ तो समाज हमारा देता नहीं है। लेकिन जहाँ तक रही कि मैं सबका कदर और सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे शादी करना है तो मतलब करना है। कोई क्या सोचता क्या नहीं सोचता, मैं इसके बारे में खुद ही नहीं सोचती हूँ। मतलब लड़की से ही आपको शादी कर लेना? जी, मुझे लड़की से शादी करना, मुझे लड़की में ही इंटरेस्ट है और मुझे उसी में शादी करना है। तो लड़कों से क्यों प्यार नहीं करती हैं? अब लड़कों
अरे प्यार मोहब्बत का क्या है, प्यार मोहब्बत चाहे जिससे हो जाए, बुढ़वा जवान लड़किया सयान लड़की से चाहे जैसी हो जाए, जैसी प्यार हो जाए, जहाँ प्यार हो सट ले चाहे अपन जगह बना ही ला, चाहे जैसी प्यार हो जाए, बुढ़वा हो चाहे जवान, चाहे बुढ़वा चाहे जवान, चाहे लड़किया चाहे सयान, जैसी पाओ जुड़ जा, मतलब जैसे प्यार हो। एक स्टैंडर्ड तो देखते है ना लोग, अब भगवान ने एक प्राकृतिक जो संरचना बनाई, प्राकृतिक रूप से सबको उस तरीके से बनाया है, तो भी तो है ऐसा तो नहीं है। ये तो एक मजबूरी बन गया है, ये भगवान के यहाँ से रीति रिवाज परंपराएं बन गई हैं, वरना शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे जिगर का टुकड़ा हमसे दूर हो या हमसे दूर होके कहीं जाए। जैसे अभी एक दिन के लिए हम लोग कहीं चले जाते हैं तो माँ बाप की अंदर इतनी छटपटी बढ़ती है कि ये हमारे लड़के पता नहीं कैसे हुई, खाए हुई कि ना का कैसे, और वो माँ बाप अपने करेजा पत्थर रख के जो ना दूसरे घरे भेजा थी, अब दूसरे घरे पता ना बिटियन सेफ यहाँ है कि ना बाटिन, बहुत सारी बिटियन यहाँ है जो ना ससुराल वाले इतना पीड़ित कर थी, इतना सतावा थी, इतना परेशान करती, और कुछ बिटियन रहती गरीब रहती कि अपने माई बाप की इज्जत बचाए बरे, इज्जत ना उछले, वो कुल दबाए के जन सारा जुर्म सहा थी, और कुछ लड़कियां रहती तेज तर्राक रहती, सोचा थी हमारे घरे से मतलब माई बाप ठीक ठाक आए तो अपन बता देते स्थिति कि हाँ मम्मी हमारे ससुराल वाले हमारे साथ ऐसे करता है, और जो बेचारी गरीब यहाँ हुआ तो अपन कुछ माई बाप से बता नहीं सकती, जो उनके साथ होता है वो अंदर अंदर झेलतियाँ हैं। तो एक वजह से बस भगवान के रीति रिवाज जोन बन गया है, ऊपर से यही वजह से नीचे जो है शादी हो ही जाते, एक दूसरे के बंधन में बंधते, वरना शादी करब कोनो जरूरी ना है। आपको जो है आरती जौनपुरिया एक लड़की से कब से, मतलब कि आपको लगा कि मुझे लड़की से ही शादी करनी, कब ये कहाँ से आया, कितने साल हुआ? हमका होएगा साल ना, हमका पिछला 9 महीना हो गया प्यार करत 9 महीना प्यार करत हो, 9 महीना। लेकिन ये भी होगा कि भाई फैमिली प्लानिंग करेंगी, सब कुछ प्लानिंग करेंगी, तो भाई लड़की शादी करके क्या करेंगी, लड़की से शादी करेंगे क्या, मतलब एक खुशी मिलेगी हमको, लगेगा कि हमारे जीवन में जो हमारा सपना था, जो हमारी मंजिल थी, फाइनली हमको मिल गई, बस कितनी खुशी होगी, इससे ज्यादा और खुशी क्या होगी, मुझे इससे बढ़ के खुशी और क्या ही चाहिए? लड़के नहीं क्यों इतना, और मैं बेचारे कितने लड़के कुंवारे होंगे, शादी का सपना देख रहे होंगे, ऐसे सब लड़कियां करने लगेंगी शादी, तो कहाँ जाएंगे लड़के बेचारे? हम तो सोचते हैं लड़के लड़के में शादी करें, लड़की लड़की में शादी करें। मेरा तो सोच यही रिवाज पर नहीं। और भैया हम अपने देश के लड़कियों से यही कहा कि चाहब कि आज के जमाना में प्यार मोहब्बत केहू से न करे, कोनो लड़कियों से न करे, अगर जिंदगी में तो है कोनो प्रॉब्लम होगी, कोनो बात होगी तो दौड़ के तुहार माई बाप साथ दे ही, अन्य लड़का ना दे। आज के जमाने में लड़कियां ऐसे करता, हम लड़कियन के ऊपर काय चाहिए थी, लड़कियन कैसे ना करे चाहे, लड़कियन के जो ना प्यार मोहब्बत के झूठा झांसा देती, हम तो उसे प्यार करती मोहब्बत करता ही, तू वीडियो कॉल पे आवा रानी अपन सब खोल के दिखावा, ये कहीं हम तुम्हार बाबू हम तार सोना हम तार मोना ऐसे ऐसे बोल के कहीं की थोड़ा खोल के दिखाओ थोड़ा खोल के दिखाओ। तो मैं लड़कन से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग गलत करते हो, देखो जो आप लोग दूसरों लड़कियों में ढूंढते हो ना कि ये दिखाओ दिखाओ, वो आपके माँ बहन के पास में भी होता है। तो प्लीज अगर आप लोग को कभी भी मन करे ना, जैसे आप लोग गर्लफ्रेंड पटा लियो मन करता देखने का, तो अपने माँ बहन के पास जाके बोल दिया करो मुझे दिखा दो, मुझे देखने का शौक है। सही बोल रहे, इतना भड़ास क्यों निकाल रहे हैं लड़कों पे आप? नहीं मैं देख रही हूँ ना, आज के जमाने में देख रही हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, यही हो रहा है। तो मैं सच बता रही हूँ, जैसे हर लड़के को जो है हर लड़कियों को अपने बहन की नजर से देखना चाहिए, ठीक है तुमको अगर प्यार मोहब्बत है तो शादी किससे करेंगे जब सब लड़की को बहन नजर? अरे ठीक है मान लो उनको जिससे प्यार मोहब्बत हो गया, तो जब तक वो सात फेरे के बंधन में ना बन जाए, जब तक की शादी ना कर ले, तब तक नहीं कहना चाहिए कि मुझे खोल के दिखाओ ये करो वीडियो कॉल पे आओ, तो उनकी बातें कर लेंगे बेचारी, कुछ बहुत सारी लड़कियां बेबस कर देते हैं, उनका वीडियो कॉल पे जो है बात करेंगे, उनका क्या बोलते हैं वीडियो बना लेंगे, फिर उसको वायरल कर देंगे, फिर वॉइस कॉल पे गंदी गंदी बातें करेंगे, फिर उसको वायरल कर देंगे। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सभी बहनों और बेटियों का इज्जत आप लोग रखिए, इस तरह किसी बहन बेटी का इज्जत मत नीलाम कीजिए। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग मुझे मारेंगे तो मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। मैं सभी बहनों से कहती हूँ कि प्लीज आप लोग प्यार मोहब्बत से दूर रहिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ना आज के जमाने में कोई राधा कृष्ण का प्यार ना निभा सकता है ना कोई बन सकता है। लैला मजनू ने प्यार किया था, आज भी बहुत ऐसे भी सच्चे प्रेमी होंगे जो प्यार करते हैं, आप उनको भी झूठा बता रही हैं, मतलब सारे लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते, नहीं सभी होते को हैं, आप एक तराजू में नहीं तौल सकते ना, नहीं सभी एक को तराजू में नहीं तौल सकते हैं, वो आपकी बात एकदम जाहिर है, लेकिन कि लड़कों को ऐसा जो लड़के कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ,
बहुत सारी बहन बेटियों को परेशान करते हैं कॉल कर करके, फिर उनको अजीब तरीके से बहुत परेशान करते हैं। तो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ किसी की बहन बेटी को इस तरह से परेशान मत किया करो, और किसी से प्यार करो तो सच्चा दिल से प्यार करो, सच्चे मन से प्यार करो, हृदय से प्यार करो, किसी के तन बदन से प्यार बिल्कुल मत करो, ठीक है? क्योंकि अगर अभी अभी मान लो कि मेरा मोबाइल है, अभी कवर लगा हुआ है तो मोबाइल बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब मोबाइल के ऊपर से कवर हट जाती है तो मोबाइल कैसी दिखती है? मानते हैं कि अच्छी दिखती है, लेकिन जब मोबाइल के ऊपर कवर रहती तो और अच्छी दिखती। मेरा कहने का मतलब यह है कि लड़कियों का अगर फुल कपड़ा तन बदन अगर ढका हुआ है तो अच्छी लगती है, अगर लड़कियों का कहीं से भी थोड़ा सा अगर बदन खुला है तो लड़कियाँ बहुत खराब दिखती। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को हमेशा संतुष्ट करना चाहते और हमेशा से ढक मुन के रखना चाहते कि हमारी लड़कियों की कहीं इज्जत ना चली जाए। तो बस मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्यार मोहब्बत कीजिए, वो गलत नहीं, लेकिन आप लोग गलत तरीके से मत कीजिए। अगर आप लोग बहुत सारे लड़के हैं जो लड़कियों को बदनाम करना चाहते, बहुत लड़कियों का इज्जत नीलाम करना चाहते, तो वो आप जो आप दूसरों लड़कियों में देखते हो आपके माँ बहन के पास भी होता है। अगर आप लोग का माँ बहन से बोल दो हमको दिखा दो, हो गया, आप लोग का मन संतुष्ट हो जाएगा। तो लड़कों को आप गाली दे रही हैं? खुले गाली क्या दे रहे हैं, गाली देना इसमें गाली देने वाली कौन सी बात है? आज के जमाने में जो चल रहा है मैं वही बता रही हूँ। अगर लड़कियां मेरे को कमेंट करके बताना अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। क्या लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, लड़कों को नहीं फंसाती हैं? क्यों लड़कियां फंसाएंगी, लड़कियां क्यों फंसाएंगी, दूध की धुली होती। जिससे आप प्यार करती है मनु जी आरती जौनपुरिया से, अभी वो वीडियो कॉल पे है, अगर आप पहली बार प्यार का इजहार की थी तो कैसे की थी? मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे दर्शकों को अभी ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन प्यार का इजहार हो जाए। हम लोग का तो ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही प्यार हुआ था, और ऑनलाइन प्यार पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, तो इसलिए ऑफलाइन प्यार हुआ था। मैं उनको बोली थी आई लव यू जानू, तो वो भी मेरे को बोली थी लव यू बेबी, लव यू बेबी बोली थी। हाँ आरती जी आप भी सुन रही हैं, क्या कहेंगे आरती जी? ये तो मन्नू को मतलब कहते नहीं कि हाँ एक बार दो बार लोग मिलते हैं, तो हमको मन्नू से जब पहली बार मिले तभी मतलब अटैचमेंट हो गया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। ऐसे तो लड़के तो नाराज हो जाएंगे। हाँ जी लड़के नाराज हो जाएंगे, जो लड़के हैं वो कहेंगे अब जी बिल्कुल लड़की नाराज हो जाए सब उनकी नाराजगी से हमसे क्या लेना देना, हमें अपनी लाइफ देखनी है कि सबकी लाइफ देखनी है, सब अपने लाइफ में खुश रहते हैं कुछ भी करते हैं, हम थोड़ी इंटरफेयर करने जाते हैं कि हाँ आप अपने लाइफ में ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई हमारी लाइफ में हम कुछ भी कर रहे हैं तो भाई आप भी इंटरफेयर मत करिए। लेकिन भगवान ने एक जो नियम बनाया है पति पत्नी का, ये फैमिली प्लानिंग सारी चीजें, तो ये सब कैसे संभव है? अब क्या ही बताए, भगवान के हाथ में अब जो होना था हो ही गया, अब क्या ही बता सकते हैं। कुछ भगवान के हाथ में था और कुछ हम दोनों के हाथ में था, क्योंकि थोड़ा बहुत भगवान बनाते हैं और थोड़ा बहुत इंसान बना लेता है अपने से, हो गया। अब जब भाई प्यार हुआ है तो फिर अब आगे क्या ही बोलना, सभी को हर कोई जानता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते, सब कोई जानता है कि हम एक दूसरे से शादी करने वाले, कोई नई बात थोड़ी ना है, पहली बार थोड़ी ना है। आरती जी जब घर में आप बताई होंगी मैं एक लड़की से प्यार कर रही हूँ तो क्या रिएक्शन होगा? वो तो गुस्सा भी होंगे घर वाले, नाराज भी होंगे आपसे। हाँ होते हैं सबके घर वाले, अगर ऐसा कोई चीज सुन लेते हैं तो थोड़ा गुस्सा तो होते ही है, पर कहते नहीं कि हाँ तुम्हारी लाइफ है भाई, तुम जो मन में आए करो, जो तुम्हें अच्छा लगे, तो ये समाज भी तो है, उसको भी देखना है। समाज हमको खाने के लिए थोड़ी देता है, अगर हमारे घर में घर वाला नहीं, ये तो मन्नू जी की भाषा है, समाज मुझे खाने के लिए देता है क्या? क्या बात है। हम लोगों की कहीं ना कहीं बातें एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाती है, जैसे मैं क्या बोलने वाली होती हूँ ना उनको भी पता है, जैसे वो क्या बोलने वाली होती है ना मेरे को भी पता होता है। हाँ तो कहीं ना कहीं अगर सच्चा वाला प्यार है तभी तो ऐसा कुछ हो रहा है। क्या बात है, हमको क्या पता कि तुम भी यही बात बोली हो। ये लड़कों पर जो है आप लोग इतना भड़ास क्यों निकाल रहे हैं कि इस तरह के से लड़का जो है लड़का शादी कर ले, लड़की जो है लड़की से शादी कर ले, फिर इसे प्रकृति का क्या होगा, फिर इस
अब हम क्या बताएं क्या होगा, जो हमारे साथ हुआ है हमें विश्वास उठ गया है, अब हो गया इनसे अटैचमेंट तो क्या ही बताएं। और वैसे भी हम लोग दुनिया का ठीका नहीं ले रखे हैं, हम लोग अपना ठीका ले रहे हैं। अब दुनिया क्या कर रही क्या नहीं कर रही उससे हमसे क्या लेना देना है भाई, हमको अपने से मतलब है बस। मतलब आपसे सारी लड़कियां प्रेरणा लेकर के लड़की लड़की शादी करने लगे, आप लोग प्रेरणा का स्रोत बन जाए, वो तो और अच्छी बात है। सब जो सब प्रेरणा ले रहे हैं, बहुत लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आप सब कोई हमसे नहीं पूछने जा रहे भाई, हम कर रहे हैं कोई नई बात थोड़ी है। जी समाज में एक नई तरीके का कहें कि जो चीजें हो रही हैं कि लड़की लड़की शादी करेंगे, लड़का लड़का शादी करेगा, फिर लोग कहेंगे वंशज कैसे बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें सवाल उठेंगे ना आप पर। अरे वंश बढ़ाना जरूरी थोड़ी है, खुद ही पैदा करो तभी वंश बढ़े भाई, अनाथालय है किसी की जिंदगी बन जाएगी, बच्चे गोद ले लेंगे। बिल्कुल सही बात है। और क्या, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप नहीं है, उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही है, तो हम लोग भाई सोचते हैं कि वहाँ से हम लोग बच्चे उठा लेंगे और उनको एक अच्छा जो है जिंदगी देंगे, एक माँ बाप को उनको अच्छा प्यार मिलेगा, और क्या ही चाहिए इंसान को। जी आरती जी एक सवाल है आपसे, आपका जो है आप जो है रोली जौनपुरिया के यहाँ काम कर रही थी, तो क्या हुआ था उस दौरान, आपको जो है फोन ओन भी दिलाई थी, बहुत सारा सारी बातें उन्होंने वीडियो में कहा था, क्या हुआ था उस दौरान? अब क्या हुआ था, जो हुआ था हमारे उनके बीच में था, उन्होंने वीडियो बना के भी डाला है, आप वीडियो भी देख सकते हो, आप मेरी भी वीडियो जाके देख सकते हो, सारे सवाल का जवाब आपको वहां पे मिल जाएगा। ना ही उनका हमारा कभी झगड़ा हुआ, नहीं कुछ, बस ऐसे ही जो भी बात हुई है हमने वीडियो में बना दिया है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि छोड़ो जाने दीजिए। तब शादी वादी कब कर रही हैं? वीडियो बना के डाला। शादी कब कर रही हैं? हाँ जी शादी कब कर रही हैं? शादी जब भी करेंगे हम आपको जरूर बुलाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एनएन एनएन से फूल माला मंगवाओ, काहे चिंता करती क्या? बिल्कुल बिल्कुल फूल माला ही लेकर आई ना। शादी जब भी करेंगे तो सबको, पूरी दुनिया में सबको पता हो जाएगा, क्योंकि हम अब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वीडियो आती रहेगी, हम अपने लाइफ में कर क्या रहे हैं सब मिलता रहेगा आप लोगों को। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी, अब आप तो जो है प्यार का इजहार कर दी, क्या कहना चाहेंगे, जो भी कहें यही सब था, जो था सच था, और क्या जो भी कहेंगे, देखो गाना होना भी सुने प्यार में आप जो गाती भी हैं। कहेंगे सच के सिवा झूठ नहीं बोलेंगे, अगर झूठ बोलेंगे तभी जर के मर जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं कहिए भाई, लाइफ है, एक झूठ तो सभी सो जाता है। नहीं झूठ झूठ के जगह झूठ बोला जाता है, सच के जगह सच बोला जाता है, अभी यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन था नहीं झूठ बोलने का, तो इसलिए हम झूठ नहीं बोले हैं, जो सच्चाई था वही बोले। प्यार में क्या आरती जो क्या गाना सुनाती हैं आप? हाँ प्यार में हाँ। तू मेरी बाबू मैं तेरा सोना, तू मेरे अलावा किसी और का मत होना। हाँ गाना कौन सा सुनाती है, शायरी हो गई, और गाना कौन सा सुनाती है, क्या ही बताऊं, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू अब मुझको चुराना है। अच्छा हमें लगता है कि आप दोनों को जो है बहुत धोखा मिला हुआ है, आप लोग दांत मर दे, तू तो गजबे बात कर रहा था वो साला, धोखा 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 का होला हट्टा मर दे, ये कुल बातें ना। आप जिस तरीके से लड़कों के लिए बात कर रही थी, नहीं बात नहीं, सारे लड़के ऐसे होते। अच्छा आप भी तो वीडियो देख रहे हो, अभी तो सब कुछ देख रहे हो, देख नहीं रहे हो कि आज के सिचुएशन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लड़कियों के साथ कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, कैसा बर्दाव हो रहा है, लड़कों के साथ नहीं हो रहा है, लड़के तो खुद ही एक बब्बर से। सुनिए जो धोखा है लड़कियों के साथ भी हो रहा है, लड़कों को भी साथ जब हो रहा है तो क्या करे बेचारे, वो अपने लाइफ में नहीं खुश हो पा रहे, एक बार दो बार धोखा मिल रहा है उनको, समझ में नहीं आ रहा, जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन मन्नु बात नहीं है कि हाँ लड़कियों को ही धोखा मिल रहा है, मन्नू जी कह रहे हैं सिर्फ लड़के ही धोखा देते हैं। नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, लड़के ही धोखा देते हैं, लेकिन आज के जमाने में लड़के ही ऐसा कर रहे हैं, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं, लड़के ही लड़कियों की जिंदगी, लड़कियां लड़कों की जिंदगी नहीं बर्बाद करती, सब लड़कियों लड़के
जो है सिर्फ लड़कियों के वो क्यों ना कभी जिंदगी बर्बाद करती है बच्चों ये क्यों ना कभी प्यार के चक्कर में पड़ा है भाई किसी के किसी के कोई किसी के इमोशन के साथ खेलती हैं लड़कियां तो आपको नहीं लगता वो गलत कर रही हैं लड़की देखो किसी को प्यार जहां लड़कियां गलत है जहां लड़कियां गलत कर कराएंगी मॉल में ले जाकर के हां तो ऐसे लड़कियों शॉपिंग ना करवा देते समझा कि ना भाई बात है मुद्दे आज के जमाने में ना लड़कियों ने स्वार्थ के लिए यहां जब तक ना जनही की लड़कियों के अंदर हमें कुछ खासियत है कुछ मिले तब लड़कियों जो ना शॉपिंग करवा जाए ना तो बही ना तू खाली लड़कियों से फोन बतिया के बाबू रिचार्ज करवाई दे कहीं भाई रखा फोन भाई टाइम ना फिर बाद में तोहरे पास हम फोन करा तई समझा जब लड़कवन जो ना लड़कियन के ऊपर हावी हो जाती ना तब कोनो चीज करावे के लिए रेडी हुए थी हाँ वैसे ना रेडी हो जाते करावे के लिए समझा का करवा तो लेती ना रिचार्ज करवा लेंगी शॉपिंग करवा लेंगी और जो उनका पर्सनल जरूरत चीजें वो हो जाएगा भैया हम तो आज तक हमको आज तक एक ही सुई ना मिली है कैसे बताई हाँ भाई सुई ना मिली है कोच इधनीपुर जाए मैं नहीं जब सुई ना मिली है कहाँ से बताई दे हम आपने आपने प्यार किया ही नहीं होगा किससे मैंने प्यार किया तो मेरा 9 महीने का प्यार 9 महीने का जैसा नहीं होता 9 महीने में पेट में रखा 9 महीने में प्यार हो गया और क्या आपके घर वाले एग्री हैं इस बात पे एग्री क्यों नहीं होंगे एग्री मेरे घर वाले एग्री एकदम होंगे जरूर होंगे जब हम अपने घर वालों को मनाएंगे अपने घर वालों को अपने तरीके से समझाएंगे आखिर माँ बाप भी तो सोचते हैं ना कि हमारे बच्चों की जिसमें खुशी है वही हम करें ये जो माता पिता आपके लिए बहुत सपने देखे होंगे कि मेरे राजकुमार करिया का भैंसा नदी गड़ा पाचा पाचा दांत रहे हमारे माई बाप कर पाव पूजी और बेटी एक विदा कर दे ही लाइजे जो ना का भाई से खूटा बाना नदी गाड़ के मारा साठ साठ साठी वही मतलब जो शादी करते ही ये कह रही हैं आप हाँ नहीं जो शादी करते ही भाई हमको देखो भैया हमको दुनिया से लेना देना नहीं हमको जिसमें जो इंटरेस्ट था हम उससे शादी की दुनिया में आई है अरे आप भी दुनिया में आई है दुनिया में आई हूँ तो मैं खाने के लिए मर रही हूँ मेरे मेरे घर खाने के लिए नहीं है तो क्या दुनिया मुझे खिला दे रही काला बिट्टी तू खाई लगू खान बाटू लॉजिक की बात थोड़ी ना हुई दुनिया मुझे खाना नहीं दे रही अरे तुम्हें कहा तुम्हें लूटे का ही वही हाल आज और क्या लूटे खवाई तुम्हें न्यूज खोद खोद ले का ऐसा है क्या तब का हम का लूट रहे लेकिन हाँ नहीं लेकिन जो सच्चाई हाँ। वो सच्चाई है भाई हमको किसी में इंटरेस्ट नहीं हमको जिसमें इंटरेस्ट था वो हमको मिल गया हमारा जो प्यार था हमारा जो मोहब्बत था हमारा जो जिंदगी था हमको मिल गया और हमको लाइफ में क्या चाहिए हम भी लाइफ में सोचते थे अपने मंजिल तक पहुंचे अपने मंजिल तक पहुंच गए और क्या चाहिए बताइए मंजिल तक पहुंच गई है मतलब अब मान लो कोई लड़का सपना देखा हो शादी उदी करने के लिए घर वाले आपके देखे हो तो अब जो देखा होगा वो देखता रहे भाई जब कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे अभी तो फिलहाल हम लोग का खुद ही जिंदगी देख रहे हो कैसे किस दौर पे गुजर रही है जो अपना सपना देख रहा हो सपना सजाता रहे अगर वो भी सीधा से कोई चीज चाहेगा तो उसको भी कभी ना कभी मिल ही जाएगा मिल जाएगा अब अगर उसको देखो सीधा से अगर भगवान को याद करोगे ना तो वो भी तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे लड़के अच्छा बताओ जैसे हमारे दिल के हम तो से बिया करब तब बतावा हमसे बिया करवा करवा नहीं करवा जान से मार देंगे क्या कर रही हैं आप ये तो आपको अभी से धोखा देने लगी हैं ये तो आपको अभी से धोखा देने लगी हैं ये कसमें जो है आपके साथ खा रही हैं कसमें वादे आपके साथ कर रही हैं शादी का इरादा कहीं और कर रही हैं देख लीजिए